कर देंगे। आप ये चाहते हैं क्या उस पैसे से उस बच्चे की असमत लौट जाएगी, क्या उसका बचपन लौट जाएगा? दिन पे दिन प्रतिदिन घटनाएं चरम सीमा पर बढ़ रही हैं और रेप देखिए आप, गोंडा में हुआ, मेरठ में हुआ, हापुड़ में हुआ, बुलंदशहर में हुआ। योगी सरकार सो रही है, योगी सरकार खाली जुमला पार्टी है। वहाँ की पुलिस मिली हुई है, वहाँ का प्रशासन मिला हुआ है और जो अपराधी हैं उनको सबको वहाँ की प्रशासन बचा रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी बेटी खत्म हो गई उनके माँ बापों को नहीं दी गई। समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम चार दरिंदों ने दे डाला। जी हाँ, मामला हाथरस का है, जहाँ एक बच्ची एक गुड़िया के साथ गैंगरेप किया चार दरिंदों ने और उसको जब परिवार ने दो अस्पतालों में एडमिट किया तो दोनों अस्पतालों में मना कर दिया गया। उसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में उस बच्ची को एडमिट किया, वहाँ पे अस्पताल में जब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, वहीं जो प्रशासन था उसने उसको सरेआम वहाँ पे उस जहाँ पे वो खेलती कूदती थी, जहाँ पे वो अपना काम करती थी, अपना घास फूस वहाँ पे करती थी, उसी खेत में उसको जला डाला। उसके परिवार ने भी उसको ना देखा। हमारे समाज में बच्ची को अगर कोई बगैर शादीशुदा, अगर अनमैरिड बेटी होती है, एक बच्ची होती है, उसको इस तरह से नहीं जलाया जाता है, जो कि प्रशासन ने उसको पेट्रोल डाल के जला दिया गया। हमारे साथ बुलंदशहर की जनता मौजूद है, इनसे जानकारी लेंगे क्या क्या ये लोग उसके बारे में कहेंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता तंवर है, मैं नगर अध्यक्ष शिवसेना से हूँ। जैसा कि हाथरस में एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये बहुत शर्मनाक घटना है, जैसा कि योगी जी के राज में हुआ है। योगी जी के राज में कहा जाता है कि एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ बच्चियों की असमत को रौंदा जा रहा है। ये बहुत बुरी दरिंदगी है, योगी जी को इस बात पर शर्म आनी चाहिए। वहाँ के जो DM है, SSP है, तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। जैसा कि मैडम ने कहा कि उनको जेल भेजना चाहिए, जी हाँ जेल ही भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ जब DM साहब और IDG ने कहा कि हंसते उन्होंने जवाब दिया कि हा हा हा, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, गैंगरेप उसके साथ नहीं हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट भी उन लोगों ने नहीं कराई, उसको छुपा दिया गया। यही मामला है जी? जी यही मामला है। मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा किस दबाव में पुलिस प्रशासन ऐसा कर रही है। योगी जी अच्छी तरह जानते होंगे, एक संत एक साधु रहे हैं, वो भी क्या हिंदू धर्म में रात में बेटी को किसी शव को जलाया जाता है? और क्या हिंदू धर्म में कभी भी शव को बिना उसके माँ बाप भाई बहन के कि बिना आज्ञा के जला दिया जाएगा? और जो उस मनीषा के शव को जलाया गया है किसी पेट्रोल जैसे पदार्थ से जलाया गया है, तो हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा शव नहीं जलाया जाता है। ऐसा कौन सा दबाव है प्रशासन के ऊपर? मैं ये चाहती हूँ कि इसकी जांच हो और जांच में जिस चीज़ का दबाव पड़ रहा है वो सामने आए। योगी सरकार, हमारा सवाल नहीं बल्कि जनता का सवाल है कि DM IG को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया जाए, क्योंकि ऐसी शर्मसार घटना को अंजाम देते वक्त उन दरिंदों को इस तरह फरार हैं वो, जबकि वो आज पकड़े गए तो उन्हें आखिर क्यों उन्हें फांसी चौराहे पर नहीं दी जा रही? आखिर किस बात का डर है? आखिर प्रशासन, आपको तो ये देखना चाहिए कि आखिर आपको किस चीज़ का डर है? आप तो समाज के लिए बनाए गए हैं, आखिर क्यों? जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश राणा, शिवसेना जिला अध्यक्ष। सर, आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे जो वहाँ पे सर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया चार दरिंदों ने? आज देखिए, उत्तर प्रदेश में दिन पे दिन प्रतिदिन घटनाएं चरम सीमा पर बढ़ रही हैं और रेप देखिए आप, गोंडा में हुआ, मेरठ में हुआ, हापुड़ में हुआ, बुलंदशहर में हुआ। योगी सरकार सो रही है, योगी सरकार खाली जुमला पार्टी है, एक धोखा देने वाली पार्टी है। आज जिस तरीके से बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए योगी सरकार ने शपथ ली थी, संकल्प लिया था सरकार बनाने से पहले, आज उसमें विफल हो रही है, नकारा। सर, जैसा कि योगी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिन प्रतिदिन ये लगाती है, तो इसका आप क्या कहेंगे? सब झूठ है, ये जुमला पार्टी है, कुछ नहीं। इनको खाली आज तक देखिए क्या कहें, हिंदुओं को सिर्फ वोट के लिए, सत्ता के लिए इन्होंने हिंदुओं का बेवकूफ बनाया, वोट लिए और बहन बेटियों की रक्षा करने में नाकाम साबित हुए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे हाथरस के जो वहाँ के प्रशासन अधिकारी हैं, तत्काल वहाँ से निलंबित किए जाए, बर्खास्त किए जाए, वहाँ के DM और SP को जेल में डाला जाए और उनके माँ बापों को एक न्याय मिला जाए, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। सर, जिस तरह उस परिवार की जो बेटी के साथ इस तरह दुष्कर्म हुआ, इतनी शर्मसार घटना को अंजाम दिया, सर जब उसकी एम्बुलेंस के सामने उसकी माँ लेट गई, उसका पिता लेट गया वहाँ पे, उसकी भाभी लेट गई, उसकी माँ बोलती है बेटी प्लीज घर वापस आ,
आ जाओ बेटी प्लीज घर। उस बच्ची को इस तरह से इन लोगों ने मारा, उसको पहले उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई जिस तरह वो ना उठ पाए, उस बच्ची की जीभ में जो इंजेक्शन है नसीले इंजेक्शन ठूस दिए गए जिससे कि वो बोल ना सके, उसके पैर हाथ तोड़ दिए गए जिससे कि वो खड़ी ना हो सके। सर आप जब प्रशासन और योगी सरकार कहती है बेटी बचाओ, क्या ये चेतावनी आप किस नजर से, बेटी किस किस से बचाएं, योगी सरकार से बचाएं? योगी सरकार डरी हुई थी उस मनीषा से, कहीं मनीषा जिंदा ना रह जाए, उसकी लाश माँ बापों के पास ना पहुंच सके, रीढ़ की हड्डी जो टूटी हुई थी, जवान कटी हुई थी, प्रशासन के सामने ना जा सके, जनता के सामने ना जा सके, इस डर से उसे चुपचाप उसका दाह संस्कार किया गया। सर क्या हमारे हिंदू समाज में ये होता है? क्या हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हो कभी आज तक हुआ है कि प्रशासन खुद ही बॉडी को जला दे, वो भी पेट्रोल एक एक ऐसे पदार्थ से कि उसके ऊपर उपले भी ना हो, उसको ऐसे ही घास फूस के ऊपर अंदर जला दिया गया। जब 3 स्टार से पूछा गया कि इसके अंदर कौन है तो 3 स्टार बोलते हैं कि नहीं ये लड़की की सब नहीं है, ये लड़की की बॉडी नहीं है, और हमें राइट नहीं बनता कि हम आपको बता सके। क्या 3 स्टार को बोलने का अधिकार है? सर बताएं, वहां की पुलिस मिली हुई है, वहाँ का प्रशासन मिला हुआ है, और जो अपराधी हैं उनको सबको वहाँ की प्रशासन बचा रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी बेटी खत्म हो गई उनके माँ बापों को नहीं दी गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है, हिंदुस्तान की जनता को जागना चाहिए, चाहे बेटी किसी की हो, चाहे किसी जाति की हो या किसी धर्म की हो, बेटी बेटी होती है। सर जैसा कि आंकड़ों के अनुसार कहना यह भी आ रहा है कि वो एक दलित जाति से थी, दलित जाति के साथ थी, आजकल गैंग रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सर आप इस किस नजर से देखते हैं इस घटना को? इस घटना को नजर से प्रशासन को तो सबसे पहले उसको बचाना चाहिए था, उसका सहायता करनी चाहिए, उसे ट्रीटमेंट अच्छा मिलना चाहिए था। अगर उसको ट्रीटमेंट अच्छा प्रशासन देता तो आज मनीषा हमारे बीच होती, सही होती। ये प्रशासन नकारा है, वहाँ के DM और SP वहाँ से तत्काल योगी सरकार को हटाना चाहिए। और भारत की जनता घोर निंदा करती है भारतीय जनता पार्टी की, आने वाले चुनावों में योगी जी को दिखा देंगे कि बहन बेटियों की रक्षा किस तरीके से की जाती है। सर जिस तरह से वहाँ पे योगी जी ने एक लिफाफा दे देते हैं कि 25 लाख रुपए का कि आपकी बेटी वापस आ जाएगी, जी मैडम आप बताएं 25 लाख रुपए योगी जी का यही काम रह गया है कि पैसा दे दो और रेप कराओ, पैसा दे दो और रेप करें। जब आप पैसा देकर उनका मुंह बंद कर देंगे, आप ये चाहते हैं क्या उस पैसे से उस बच्ची की असमत लौट जाएगी? क्या उसका बचपन लौट जाएगा जो उसके माँ बाप ने उसके लिए सपने देखे हैं? जो एक भाई, जो एक बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है, क्या वो बहन लौट आएगी? मेरा योगी जी से यही सवाल है, क्या उन 25 लाख रुपए देकर उनका मुंह चुप कराया जा सकता है? क्या 6 एकड़ जमीन देकर मुंह चुप कराया जा सकता है? बहुत शर्मनाक घटना है, तो योगी जी सुन लीजिए, ये लीपापोती बंद कीजिए और सही न्याय कीजिए। जो वहाँ के DM है, जो SSP की है, उनको तुरंत जेल में डाला जाए, और जिस दबाव में ये कार्य किया गया है उन्हें सामने आया जाए, सही जांच हो। अगर आप कंगना रनौत के लिए खड़ा हो सकते हैं, अगर आप कंगना रनौत के लिए बोल सकते हैं, तो आज मनीषा के लिए भी बोलें और मनीषा के लिए भी सामने आए। मैम आखिर क्यों यहाँ पे दिन प्रतिदिन गैंग रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देता जा रहा है ये यहाँ पे जनता, क्या इसके बारे में आप किस तरह से देखती है इसको? यहाँ पर योगी जी की बहुत बड़ी नाकामी सिद्ध हुई है, क्योंकि यूपी में दिन ब दिन एक तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है और इस चीज में योगी जी नाकाम सिद्ध हुए हैं। योगी जी की सरकार एकदम नाकाम है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगी मैं कि वो सरकार निकम्मी है, सरकार को बदल देना चाहिए। जैसा कि यहाँ मैडम ने बताया कि क्या किस तरह से कि यहाँ पे प्रशासन की गलती रही है, प्रशासन के जो 3 स्टार हैं उनकी गलती रही है, वहाँ पे सरकार की गलती, इनका सीधा निशाना ये है योगी सरकार को, क्या 25 लाख में क्या बेटी वापस आ जाएगी? इनका ये भी कहना है कि 25 लाख रुपए दीजिए, 30 लाख रुपए दीजिए और बेटी को दे दीजिए, रेप करने के लिए छोड़ दीजिए। आखिर उन दरिंदों को भी चौराहे पर फांसी क्यों नहीं दे दी जाती, आखिर क्यों नहीं दे दी जाती? सर हमारा सवाल आपसे है, ऐसा है कि आज तक इन्होंने वादे तो बहुत किए हैं, महिलाओं के लिए कोई इन्होंने ऐसा ठोस कानून नहीं बनाया, इनको ठोस कानून बनाना चाहिए, और जितने भी आरोपी हैं रेप के अदालत में केस नहीं चलाना चाहिए, ऑन द स्पॉट उनको खत्म करना चाहिए, जिससे संदेश पहुंचे, बहन बेटियों की रक्षा हो सके, बहन बेटियों के सम्मान को बचाया जा सके। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, और भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी जानकारी लेंगे कि ये किस नजर से देखते हैं इस घटना को। जी सर। जी मैम, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं जिला महासचिव हूँ शिवसेना में बुलंदशहर से, और ये जो घटना हुई है बहुत शर्मनाक घटना हुई है, और पुलिस प्रशासन की और ज़्यादा गलत बात है कि उन्होंने उसको सबको
घर वालों तक को दिखाया नहीं है और उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है। तो प्रशासन वहाँ के SSP, IG और DM को तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। आखिर किस बात का डर था प्रशासन को, आखिर किस बात का डर था? योगी सरकार, सीधा सवाल आपसे, आखिर किस बात का डर था, आखिर किस बात का डर था प्रशासन को कि उस बच्ची को, उस गुड़िया को, उस बेटी को इस तरह से जला दिया गया? उसकी माँ चीख चीख कर बोल रही थी कि हमारी बेटी को हमारे घर पर लाया जाए, उस सबको हमारे घर पर लाया जाए, हम एक बार अपनी बेटी को देख तो सके। खैर, वो अपनी जंग हार गई, आज वो हमारे बीच नहीं है। उसको 15 दिन सब दर्जन हॉस्पिटल में वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ती गई, लेकिन आज वो हार गई। हमारा सीधा सवाल योगी सरकार आपसे है कि आप आखिर ऐसे अपराध को क्यों अंजाम दिला रहे हैं? आखिर क्यों हमारे प्रदेश सरकार सो रही है? आखिर क्यों टेप लगी हुई है? क्यों नशा की गोली खाकर आप सो रहे हैं? आखिर क्यों 25-25, 30-30 लाख रुपए देकर ऐसी घटनाओं को आप क्यों अंजाम दिला रहे हैं? योगी सरकार, हमारा सवाल आपसे है। अगर आपने यहाँ पे प्रशासन को जेल नहीं भेजा तो सर आप क्या किस हद तक जाएंगे इसमें? अगर वहाँ के DM और SP को जेल नहीं भेजा गया तो शिवसेना पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेगी और बहन बेटियों की रक्षा के लिए कदम टू कदम, सटीक टू सटीक हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए यहाँ पे नारे भी कर रहे हैं कि मनीषा को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। वो एक दलित जाति से थी। वहाँ पे सिर्फ प्रशासन ने इसलिए वहाँ पे कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो एक दलित जाति से थी, वो मर जाए, लेकिन किसी तरह से वो हाईलाइट हो गया। जबकि उस एक मासूम बच्ची ने, उस बच्ची ने बयान में कहा, मीडिया के क्वेश्चन, जब वो क्वेश्चन कर रही थी मीडिया तो उनसे कहा कि हाँ मेरे साथ पहले भी दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन जब दोबारा मेरे साथ जब किया, मैंने काफ़ी नाम गिनाए लेकिन अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी। मुझे डर है। उसका परिवार भी ये कह रहा है, हमारे ऊपर से दबाव आ रहा है कि प्रशासन का दबाव आ रहा है, योगी सरकार का दबाव आ रहा है कि अपनी जबान बंद रखें वरना आपको भी इसी तरह की घटना का अंजाम दे दिया जाएगा। योगी सरकार, हमारा सवाल आपसे है, जहां आप कहते हो बेटी बचाओ, बेटी बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आखिर कहां गए आप, कहां सो गए? सभी नेता यहां पे ट्वीट करते हैं, ट्विटर भी बैठे रहोगे क्या धरती पे नहीं आओगे? क्या चल रहा है? आमिर राणा के साथ काजल लोधी, खबर देखिए कद बुलंद शहर।